है, ट्रांसेंडेंटल है। हमारा शरीर जन्म लेता है क्योंकि भौतिक है, उनका जन्म नहीं होता, चिन्मय शरीर है उनका, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह चिन्मय विग्रह है भगवान का। अनादिरादिर गोविंद हो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह कहते हैं शरीर को, उनका शरीर ही सच्चिदानंद है। हमारा शरीर सच्चिदानंद नहीं है, भौतिक आनंद है, मरणशीला है, मरण धर्मा है, जन्म धर्मा है, बुढ़ापा धर्मा है, बीमारी धर्मा है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, इटर्नल है, फुल ऑफ ब्लिस है, आनंद पूर्ण है, आनंद स्वरूप है, आध्यात्मिक है। ज्ञान स्वरूप है भगवान का शरीर की पोर पोर में पूर्ण ज्ञान है। हमारे मस्तिष्क में भी पूर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि भौतिक है, भौतिक स्तर पर हम खड़े हैं। जो आध्यात्मिक प्लेटफार्म पर आप होंगे और आध्यात्मिक शरीर आपको प्राप्त हो जाए भगवान की भक्ति करते करते, तो आप भी कहते कह सकते हैं कि मेरा भी शरीर सच्चिदानंद है। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तो इतना ही कह सकते कि मेरा शरीर मिट्टी का पुतला है। क्षितिज पावक गगन शरीरा पंच तत्व ये अधम शरीरा, ये जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ मिट्टी का पुतला है, 24 तत्व इसमें समाहित है। 24 तत्व क्या है? ये 5 तत्व हैं, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी। 5 उनकी अरोमा है, इनकी सार तत्व हैं, तन्मात्राएं जिनको कहते हैं। पृथ्वी की, पृथ्वी में अरोमा है, गंध। जल में स्वाद है, अग्नि में रूप है, वायु में स्पर्श है, आकाश में शब्द है। ऐसे ही हमारी 10 इंद्रियां हैं शरीर में, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो टोटल मिला के 20 हो गए। 5 पंच महाभूत, 5 उनकी तन्मात्राएं, 10, और 10 हमारी इंद्रियां। हाथ, 5 ज्ञानेन्द्रियां क्या है? आंख है, नाक है, सूंघने की शक्ति, आंख है देखने की शक्ति, कान है सुनने की शक्ति, त्वचा है स्पर्श की शक्ति, और रसना है स्वाद की शक्ति। ये ज्ञानेन्द्रियां हैं, इनसे हमको ज्ञान पैदा होता है। फिर कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ है, पांव है, गुदा द्वार है, मूत्र नली है, और वाणी है। तो ये 20 हो गए। फिर आपका मन है, बुद्धि है, और अहंकार है, ये 23 हो गए। और एक मूल प्रकृति, जो मूल नेचर है भौतिक तत्वों की, वो मूल नेचर 24वां तत्व है। तो ये 24 तत्व जब एक साथ मिल जाते हैं ब्रह्मा जी के विधान से, तभी शरीर खड़ा होता है, दिखाई देता है, विजिबल होता है। 23 तत्व जब तक होते हैं विजिबल नहीं होता, ना ये शरीर, ना ये पृथ्वी, ना ये ब्रह्मांड। 24 तत्व मिलके ये विजिबिलिटी प्रदान करते हैं, दृश्य जगत प्रदान करते हैं 24 तत्व। तो ये शरीर भौतिक तत्व है, लेकिन आप आत्मा है, आप भौतिक नहीं है, आप इटर्नल है, आप सच्चिदानंद। तो आज भौतिक शरीर तो हमने सुने हैं, रात दिन सुनते हैं,
एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है, वैज्ञानिकों का अनुभव है, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्योंकि देखे भी नहीं, उनका अनुभव भी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक शरीर भी होते हैं जो आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। भौतिक जगत का हिस्सा भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक जगत का हिस्सा आध्यात्मिक शरीर है। आध्यात्मिक धाम भी है, जैसे भौतिक ग्रह नक्षत्र हैं, पृथ्वी है, ऐसे आध्यात्मिक जगत भी है, आध्यात्मिक धाम, इटर्नल अबाउट्स आर देयर एग्जिस्टिंग इन इटर्निटी, मेटेरियल अबाउट्स आर एग्जिस्टिंग इन मेटेरियल वर्ल्ड, बट देयर आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज ऑल्सो द प्लैनेट्स एन इटर्नल प्लैनेट्स, दे नेवर हैव एज टू डाई, वो कभी मरण धर्म नहीं। तो उन पर रहने वाले जहां भगवान के भक्त हैं, जो लोग उनको आध्यात्मिक शरीर मिलता है, परम धाम गोलोक वृंदावन का वर्णन किया है शास्त्रों में, जहां स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोप वेश में विराजमान होते हैं, उनकी सेवा में जो परम शुद्ध भक्त कहीं से भी संसार के किसी कोने से भी जिनको अधिकार मिल जाता है उस धाम में प्रवेश करने का, उसका शरीर आध्यात्मिक होता है, सुंदर होता है, रूपवान होता है। भगवान के श्री शरीर में, श्री विग्रह में और वहां पर सेवा करने वाले शरीरों में गुण धर्म एक ही होता है। वो भी सच्चिदानंद शरीर होते हैं, लेकिन आत्मस्वरूप से आप अभी भी सच्चिदानंद हैं, आपका कभी मृत्यु नहीं होती, आप इटर्नल हैं। आप यदि अपने आप को पखाड़ लें, पवित्र कर लें, आपकी कॉन्शियसनेस को शुद्ध कर लें, भक्ति करके, तप करके, ध्यान करके, कई प्रोसेस हैं, कई तरीके हैं, तो आपको अनुभव हो कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मेरी परम शुद्ध भावना है। तभी संसार में आप नहीं फंस सकते, तब आप मुक्त हो जाते हैं, आप इटर्नल आध्यात्मिक जगत में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन जो भावना गंदी होती है, मेटरलिस्टिक होती है, भौतिक भावना होती है, तो भौतिक में जन्म लेते हैं, बार बार जन्म होते हैं, मरते हैं, बीमारियां आती हैं, ना जाने किस अवस्था में जाके शरीर छूटता है, कितने समय तक कभी कष्ट उठाना पड़ जाए, या कभी सडनली अचानक हार्ट अटैक हो जाए, नोबडी नोज व्हेन एंड हाउ, कबर कैसे शरीर छूटेगा, नोबडी नोज। और जो जानते हैं इस बात को, वो उस मुक्त आत्मा है, वो परमहंस अवस्था को पहुंचे हुए महान भक्त हैं, भगवान के संत हैं, योगी पुरुष हैं, वो कुछ कह भी सकते हैं अपनी मृत्यु के विषय में। इन संसार में फंसा हुआ प्राणी भला क्या कहेगा। अवजानंती माम मूढ़ा, भगवान कहते हैं कोई ज्ञानी पुरुष जब जान जाता है ऐसा कि मेरा कभी जन्म नहीं होता, कृष्ण भगवान कहते हैं, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, महाईश्वर, ये अनंत ब्रह्मांडों का महाईश्वर, कंट्रोलर, नियंता, जो मुझे जान जाता है, ज्ञानी पुरुष, और ये भी जान जाता है कि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, द्वापर में मैं आया था, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं कंस के कारागार में विष्णु स्वरूप से, नारायण स्वरूप से प्रकट हुआ, देवकी और वसुदेव मेरे भक्तों के सामने,
फिर मैं बाल रूप में, मेरा वो स्वरूप इटर्नल है, आध्यात्मिक है। मेरा श्री विग्रह द्वापर में भी आध्यात्मिक था, इटर्नल था, नहीं लगता है वैसा ही जैसे सबका है मन शरीर। इसलिए भगवान कहते हैं कि मम भूत महेश्वरम, मेरा जो शरीर है ये महाईश्वर का शरीर है, ये साधारण संसार में फंसे हुए भोगी विलासी लोगों का शरीर नहीं। लगता ऐसा है, अरे कृष्ण भी तो नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, भूख लगती है, माँ मुझे माखन दे दो, माँ मुझे रोटी दे दो, माँ मैं गाय चराने जाऊँगा, प्यासा हूँ मुझे पानी पिला दो, गोपियों मुझे छाछ पिला दो, तुम्हारी छाछ मीठी लगती है। वही सब कर रहा है जैसे आपका कोई नटखट बालक करे, तो हमको भ्रम हो जाता है कि ये कोई मनुष्य होंगे, कोई योगी पुरुष होगा, कोई बुद्धिमान पुरुष होगा। नहीं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, क्योंकि मैं भी मनुष्य जैसे शरीर में होता हूं। मेरा श्री विग्रह, मेरा आदि रूप मनुष्य का है। परम भावम अजानंत, तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस इस संसार में है किसी की? सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जज तो है, इन उनसे पूछो कि आपकी कॉन्शियसनेस भी सुप्रीम है, तो कहेंगे सुप्रीम कॉन्शियस तो नहीं है। कॉन्शियस में रहकर न्याय करें वो भी बहुत बड़ी बात है, पूर्ण अवेयर अवस्था में जाकर अगर न्याय करें तो भी अच्छा है कि उनको सुप्रीम जज कहा जाए। लेकिन सुप्रीम कॉन्शियसनेस तो सुप्रीम पर्सन के पास ही हो सकती है। संसार समाज आज का अनकॉन्शियस ब्लाइंडली जी रहा है, अनअवेयरली जी रहा है, कॉन्शियस में नहीं है, होश में नहीं है, बेहोशी में जी रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे भी प्राणी हैं इन्हीं में कुछ अंश में कि वो कॉन्शियसली अपने जीवन को जीते हैं, होश में अपने जीवन को जीते हैं, जागृत अवस्था में अपने जीवन जीते हैं, मूर्छित नहीं। तो उनको कॉन्शियसनेस कह सकते हैं कि ये होश में है ये प्राणी। लेकिन उसके बाद में सुपर कॉन्शियस, वो सुपर सोल के पास है, परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, तीन डिग्री है ये। फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस तो फिर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट परमेश्वर के पास ही होती है, उनके हृदय में होती है। सुप्रीम परम भावना, उनकी भावना के आगे कोई भावना नहीं है, परम भावना है, अजन्मा है उनका श्री विग्रह, अजन्मा है, वो अवतारी पुरुष है, अवतार नहीं। अवतार मां के गर्भ से बहुत से अवतार जन्म लेते हैं और अवतार जैसा फंक्शन करते हैं, भगवान की कृपा से भगवान की अंश अवतार है। हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन अवतार कहते हैं जो अंश ऊपर से आया हो, भगवान के आदेश से आया हो धरती पर धर्म की स्थापना करने, असुरों को मारने, भक्तों को आनंद देने। हम आत्माएं हैं, हम प्रयास करके, भजन भक्ति करके, ध्यान ज्ञान पैदा करके, सिद्धि प्राप्त करके, हम मुक्त होकर के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अवतार नहीं कहलाते, शुद्ध भक्त कहला सकते हैं अगर शुद्ध भावना होगी। परम सिद्ध अवस्था है तो मुक्त योगी कहला सकते हैं, मुक्त आत्मा कहला सकते हैं, निर्वाण की गति प्राप्त हो सकती है। लेकिन अवतार का पद हमको नहीं मिलता। अवतार जो भगवान के आदेश से ऊपर से आए हुए अंश हैं उनके, हम भी उनके अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल।
अवतार उनके सेलेक्टेड अंश होते हैं, उनको आदेश देते हैं, वो आते हैं विभिन्न पृथ्वियों पर, नाना अवतार। उनमें क्षमता होती है विभिन्न रूप धारण करने की, अपनी इच्छा से किसी गर्भ में प्रवेश करके प्रकट होने की। हमारे हाथ में अपनी इच्छा नहीं है जब तक हम मुक्त नहीं हैं। मुक्त होने पर ऐसी शक्ति मुक्त आत्मा को मिल सकती है कि वो अपनी इच्छा से जन्म ले सकता है अपनी भावना के अनुसार। अवजानन्ति यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्तिषु सर्व पापे विमुच्यते। ऐसे ज्ञानी महात्मा के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो मुझे अनुभव कर लेता है कि मैं परमपिता परमेश्वर हूं, मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, यह अनंत ब्रह्मांडों का नायक हूं, कंट्रोलर हूं, परमेश्वर। वो मनुष्य लोक में सबसे श्रेष्ठ है और सर्व सब पापों से मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इस श्लोक में। फिर आगे बहुत सुंदर, बहुत ज्ञान की बात है कही भगवान ने, सुनिए। चौथा और पांचवा श्लोक है दसवें अध्याय का। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथक विदा। इनका अर्थ जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह, जब आदमी को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है सभी कुछ तो भगवान से आ रहा है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान से आ रहे हैं, ये अनंत ब्रह्मांड भी भगवान से आ रहे हैं, ये ब्रह्म ज्योति भी उनके धाम से प्रकाशित है जो करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है, जिस ब्रह्म ज्योति के एक कॉर्नर में अनंत ब्रह्मांड, एक कॉर्नर में एक अनंत ब्रह्मांड भौतिक दुनिया स्थापित हुई है। ऐसी विशेष ब्रह्म ज्योति जिसको निराकार कह के बोला है वो भी भगवान के धाम से प्रकाशित होती है। जब आदमी को ये पूर्ण श्रद्धा प्रकट हो जाती है और आभास होने लग जाता है कि सभी ये भौतिक दुनिया भी उनसे ही आई है, तो फिर आप कहां से आए? आप और हम सब उन्हीं से तो आए हैं। ब्रह्मा जी कहां से आए हैं? उन्हीं से आए हैं। तो ब्रह्मा नहीं होते तो हम कहां से होते इस संसार में? तो हम भी उन्हीं से आए हैं, ये ब्रह्मांड उन्हीं से निष्कासित होते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान को ग्यारहवें अध्याय में बतलाएंगे यूनिवर्सल फॉर्म, विराट स्वरूप, ब्रह्मांड का स्वरूप। भगवान कहते हैं ये मेरा ही रूप है, मैं ही हूं खुद, ये ब्रह्मांड भी मैं ही हूं स्वयं, तो फिर भगवान से हम अलग कहां हुए? तो ये शरीर भी और ये ब्रह्मांड भी सभी कुछ, ये सागर, तालाब, हिमालय, चांद, तारे, सूरज, गैलेक्सीज, आकाश गंगा, मिल्की वे गैलेक्सी जिसको कहा है वैज्ञानिक, ये सब ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से ही निष्कासित है। लूज करो 10 मिनट।